सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आप सभी को अपडेट देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों, मेरठ वैशाली नगर और बेगमपुर मेरठ मेट्रो भी बनाई जा रही है और दोस्तों दिल्ली मेरठ RRTS भी चलाई जानी है, तो दोनों आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर। काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी को ये अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। जिस पर अभी हम चल रहे हैं दोस्तों, ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि ट्रम्पेड इंटरचेंज बनाया गया है, जहाँ से हम अभी उतर रहे हैं दोस्तों। हम चलेंगे सिटी के अंदर और दिखाएंगे चल के आप सभी को कि बेगमपुर में और वैशाली नगर में कितना कुछ वर्क कम्प्लीट हो चुका है, क्या क्या किया जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो बने रहो एंड तक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और फिर आप लोगों को दिखाते हैं चल के। अभी आप सभी को बता दूँ दोस्तों, ये दिल्ली मेरठ RRTS जो बनाई जा रही है, इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों ट्रैक स्लैब भी बिछा दिए जा चुके हैं। अब ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा, फिर OHE वायर का काम किया जाएगा इस रूट पे दोस्तों, ये सामने। और जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे दोस्तों, वैसे वैसे आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी स्टेज नहीं बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो ये हम आ चुके हैं यहाँ पर, यह है वैशाली नगर दोस्तों, जो कि बस स्टैंड भी है मेरठ शहर का दोस्तों, काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है। और आप लोगों को बता दूं कि जो मेरठ मेट्रो जो दोस्तों क्या असेंबल की जाएगी, वो उसकी बिल्डिंग देखो ये है दोस्तों। यहाँ से आगे चलते हुए चलेंगे बेगमपुर, और बेगमपुर में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं किया जा रहा है, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जब मैं पिछली बार आया था, मैं आप सभी को बताऊं बेगमपुर में, तो जिस जगह से हम पहले जाते थे ना, वो जगह बंद कर दी है, वहाँ पर काम चल रहा है। ये हैवी क्रेन मशीनें देखने के लिए मिलेंगे। देखो ये बीच का मीडियम लगा रखा है प्लास्टिक का, ये पहले यहीं से रास्ता हुआ करता था, अब इसको देखो अंडरग्राउंड हो चुका है। तो ऊपर देखो नीचे स्टेशन है, ऊपर देखो फ्लोर वर्क कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ से अभी ये रास्ता ओपन कर दिया जा चुका है। जिधर आपको ये क्रेन मशीनें देखने के लिए मिलेंगी, इधर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं। देखो एक ये है एंट्री एग्जिट पॉइंट, एक मेरे राइट में दोस्तों देखो ये जो क्रेन मशीन खड़ी हुई है। तो यहाँ पर अभी जोरों शोरों से काम भी चल रहा है दोस्तों, एक्सीलेटर भी रखे हुए, वो भी लगाए जा रहे हैं सीढ़ियों पर, क्योंकि अंडरग्राउंड स्टेशन है। इसके बाद में दोस्तों सारे स्टेशन एलिवेटेड हो जाएंगे दोस्तों, और फिर आप लोगों को एलिवेटेड होती चली जाएगी। तो ये लास्ट स्टेशन है बेगमपुर का दोस्तों, जब हम गाजियाबाद से और एंड तक जाएंगे दोस्तों। तो यही नज़ारे हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर कंजक्शन है। और बेगमपुर सबसे बड़ा स्टेशन तो बेगमपुर में बनाया गया है दोस्तों, काफ़ी विशाल स्टेशन है। देखो अगर मौका मिलता तो आप लोगों को मैं स्टेशन भी दिखाने की कोशिश करूँगा और बताने की भी कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहो के पी संत के चैनल पर दोस्तों। के पी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, क्योंकि अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पाता इस वजह से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के पी संत के चैनल पर दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। तो आप लोग अभी देख लो ग्राउंड लेवल पर कि किस तरीके से यहाँ पर बेगमपुर में काम किया जा रहा है, फिर अच्छी तरीके से यहाँ की आप लोगों को अपडेट दिखाने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, एक एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग जब तक इसी में संतुष्टि रखो, तो देख सकते हो मैं दोनों तरफ से ही दिखा दे रहा हूँ, आने का भी जाने का भी। तो आप लोग अपनी नज़रों से देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर देखो ये ट्रकों में एक्सीलेटर आया हुआ है, ये क्रेन मशीन लगी हुई है। तो ये सरियाओं का जाल बना के अभी नीचे डाला जाएगा, क्योंकि बहुत जो दीवारें बनाई जाती हैं दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा लोहे की और कॉन्क्रीट की भाई साहब, सबसे ज़्यादा लोहा उनमें होता है, ताकि वो इधर उधर खिसके ना। भाई साहब क्या ही बताएं, इंजीनियरों का कमाल है, ये इंजीनियर भाई साहब बहुत सावधानी से काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं दोस्तों, कोई लापरवाही नहीं करते हैं। और हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता चला जा रहा है दिन के दिन दोस्तों, सारे काम होते चले जा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। तो आप सभी इंजॉय करो यार ज़्यादा से ज़्यादा।
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सभी से, तो एंजॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।